दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ आईएएस 20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये हम एनवायरमेंट लेक्चर सीरीज का तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं और इस वीडियो में आज दोस्तों हम बात करेंगे जलीय तंत्र पर प्रकाश का प्रभाव। दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में यानी कि लाइट इफेक्ट के बारे में देखा था कि हमारे पर्यावरण में प्रकाश का क्या महत्व है और जीवों पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हमने डिटेल के साथ में जानकारी प्राप्त की थी। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जलीय तंत्र पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है यानी कि झीलों में या फिर समुद्र के अंदर या फिर तालाबों में प्रकाश जो ऊपर से आता है सन से क्रिएट होता है उसका आखिर क्या इफेक्ट पड़ता है, जीवों पर किस तरह से प्रभाव इसका पड़ता है उसके बारे में चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों जो जलीय तंत्र है, जलीय तंत्र पर प्रकाश का प्रभाव टॉपिक का नाम है, ठीक। प्रकाश की उपस्थिति में देखिए जलीय तंत्र पर प्रकाश की जो उपस्थिति होती है, जो भी चाहे आपका झील हो, कोई तालाब हो, समुद्र हो, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का जलीय परितंत्र है तो वहां पर प्रकाश की उपस्थिति क्या निर्धारित करती है, उपभोक्ता तथा उत्पादक की उपस्थिति को निर्धारित करती है कि वहां पर अगर ज्यादा प्रकाश पड़ता है या कम प्रकाश पड़ता है तो उसका एक बात पर यह इफेक्ट पड़ता है कि उपभोक्ता यानी कि अन्य जीव और इसके अलावा उत्पादक ये जो पादप होते हैं यानी कि फाइटोप्लैंकटन होते हैं तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी उपस्थिति कैसी होगी, उपस्थिति होगी या नहीं होगी, ये सब चीजें निर्धारित करती है प्रकाश। बात समझ में आई, ठीक। जैसे पादप प्लवक फाइटोप्लैंकटन प्रकाशित सतह पर पाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के पादप प्लवक होते हैं ये प्रकाशित सतह पर ही झील में पाए जाते हैं। अगर वहां पर प्रकाश नहीं पड़ता है तो पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंकटन समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों फाइटोप्लैंकटन वो जीव होते हैं या वो पौधे होते हैं, ऐसी वनस्पति होती है जो कि अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, तो इस कारण से यहाँ पर प्रकाश पहुंचना चाहिए। अगर झील में प्रकाश कहीं पर नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर फाइटोप्लैंकटन नहीं पाई जाएंगी। बात समझ में आई। तो इसी तरह से ये प्रकाशित सतह में पाए जाते हैं जबकि नितलस्थ यानी कि बेंथिक जीव झील के तट तलछट पर पाए जाते हैं, यानी कि नितलस्थ यानी कि बेंथिक जीव कहां पर पाए जाते हैं, बेंथिक किसे कहते हैं, नितलस्थ मतलब झील के तल पर पाए जाने वाले जीव। जैसे ये कोई झील है, अब इसके सबसे नीचे वाले हिस्से पर क्या है, बेंथिक जीव यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है, तो एकदम तलछट पर पाए जाते हैं, तो यहां पर प्रकाश ना भी पहुंचे तो ये जीव जिंदा रहते हैं, जबकि फाइटोप्लैंकटन यानी कि पादप प्लवक जो होते हैं वो प्रकाशित सतह पर ही उपस्थित हो सकते हैं। बात समझ में आई। दोस्तों झील यहाँ पर तीन प्रकार की झीलें होती हैं या तीन प्रकार के जलीय तंत्र होते हैं प्रकाश की भेदन क्षमता के आधार पर, यानी प्रकाश की भेदन क्षमता के आधार पर कितने प्रकार की झीलें हैं, तीन प्रकार की झीलों के बारे में बताया गया है। पहली तो है दोस्तों बेलांचल, ठीक है, झील के तीन प्रकार होते हैं बेलांचल। बेलांचल दोस्तों झील का वो क्षेत्र होता है यानी कि किनारे वाला भाग यानी कि छिछला जल जहां पर फैला रहता है। बात समझ में आई। छिछला जल यानी कि झील, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी झील है, जैसे मान लीजिए कि ये है झील, ठीक है, तो यहाँ पर ये पानी भरा है, यहाँ पर ये और ये स्थल है, ठीक है, तो ये जो किनारे वाला भाग होता है, स्थल और जल का मिलन बिंदु होता है, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर कम पानी होता है और कम पानी होने की वजह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अदर टाइप के यहाँ पर जीवों का जन्म होता है, ठीक। तो किनारे वाला छिछला जल जो होता है ये बेलांचल कहलाता है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बेलें फैली होती है। दूसरा होता है दोस्तों सरोजावी क्षेत्र। अब सरोजावी क्षेत्र क्या है ये हम आपको चित्र के माध्यम से भी अभी आपको समझा देंगे। यहाँ पर देख लीजिए बेलांचल के आगे का जो खुला क्षेत्र होता है, यहाँ पर जमीन नहीं होती है, गहरा क्षेत्र होता है, बेलांचल के आगे का खुला क्षेत्र जो होता है दोस्तों उसे यहाँ पर जहां पर फाइटोप्लैंकटन यानी कि पादप प्लवक प्रचुरता से वृद्धि करती हैं। दोस्तों इसके आगे वाले क्षेत्र में फाइटोप्लैंकटन पादप प्लवक जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति होती है। और कितने गहराई तक प्रकाश होता है, 20 से 40 मीटर की गहराई तक प्रकाश यहाँ पर जा पाता है और इसी क्षेत्र को सरोजावी क्षेत्र कहा जाता है। ये दोस्तों वर्ड आपको याद रखना चाहिए, पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो शुरुआत करते हैं हम लोग एनवायरमेंट की, तो यहाँ पर कुछ शब्दावलियां हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, इनको आपको याद रख लेना चाहिए बिल्कुल। तो सरोजावी क्षेत्र क्या होता है, यानी कि बेलांचल की आगे का खुला क्षेत्र होता है जहां पर फाइटोप्लैंकटन यानी कि पादप प्लवक प्रचुरता के हिसाब में वृद्धि करते हैं और यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति होती है 20 से 40 मीटर की गहराई तक। तो ये बात हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी होगी।
तीसरा है दोस्तों गहरा क्षेत्र। अब ये गहरा क्षेत्र क्या होता है झील का, ये बहुत गहरा वाला एरिया होता है और यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति नहीं हो पाती है, यानी कि इसके आगे प्रकाश नहीं जा पाता है। झीलों व तालाबों की तलीय मिट्टी नितलस्थ जोन का निर्माण करती है, यानी कि बेंथिक जोन का निर्माण करती है झीलों और तालाब की, यानी कि सबसे नीचे वाला तल वाला एरिया होता है आपका गहरा क्षेत्र जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर तालाब हो या कोई झील हो, यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो नितलस्थ जोन का निर्माण करती है और यहाँ पर दोस्तों सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, घोंघा वगैरह सीप वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। झीलों के कितने प्रकार होते हैं, झीलों के तीन प्रकार होते हैं प्रकाश की भेदन क्षमता के आधार पर, हमने यहाँ पर आपको बताया है। अब जो आपको बेलांचल सरोजावी और गहरा क्षेत्र यहाँ पर बताया गया है, ये यहाँ पर देख लीजिए कि देखिए ये मान लीजिए कि कोई स्थल भाग है, स्थल में यहाँ पर क्या लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब स्थल से ही यहाँ पर कोई झील या तालाब चालू हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो जितना ही अंदर जाएंगे तो गहराई बढ़ती जाएगी, गहराई बढ़ती जाएगी, बात समझ में आ रही है ठीक। तो ये जो किनारे वाला क्षेत्र होता है यहाँ पर कम जल होता है, यहाँ पर भी कुछ पौधे होते हैं जो तैरती अवस्था में रहते हैं, कुछ पौधे जलमग्न अवस्था में रहते हैं। तो ये सभी, ये इतना जो क्षेत्र हमने बनाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये बेलांचल क्षेत्र कहलाता है जो कि हमने यहाँ पर आपको बताया। अब इसके आगे का जो खुला क्षेत्र होता है जहां पर 20 से 40 मीटर की गहराई तक प्रकाश पहुंच पाता है वो सरोजावी क्षेत्र कहलाता है। और 20 से 40 मीटर यानी कि यहां तक की इसके अंदर का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर मान लीजिए पानी नहीं भरा है, इसके अंदर का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है आपका गहरा क्षेत्र। यहाँ पर बेंथिक जीव बनाए पाए जाते हैं, यानी कि नितलस्थ जीव का निर्माण जीव पाए जाते हैं यहाँ पर, घेंगा सीप वगैरह ठीक, सूक्ष्म जीव वगैरह। और ये नितलस्थ क्षेत्र होता है बिल्कुल, यहाँ पर मिट्टी वगैरह यहाँ पर सब चीजें पाई जाती है ठीक है। तो यहाँ पर झीलों के तीन प्रकार होते हैं, ये चीजें उम्मीद है कि आप लोगों को ठीक तरह से समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ पर कुछ एक दो वर्ड और है, जैसे आवास यानी कि हैबिटेट, हैबिटेट किसे कहते हैं ये आपको याद होना चाहिए, ये वर्ड हैबिटेट किसे कहते हैं, ये पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली होती है। आवास, आवास दोस्तों वह स्थान होता है जहां पर संपूर्ण जैविक समुदाय निवास करता है, जहां पर संपूर्ण जैविक समुदाय निवास करता है उस स्थान को क्या कहा जाता है, उस स्थान को दोस्तों आवास कहा जाता है। तो ये आपको आवास वाला यहाँ पर ये याद रखना चाहिए, हैबिटेट किसे कहते हैं, जहां पर संपूर्ण जैविक समुदाय होता है। और वन जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकती हैं कि वन आवास में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, वन आवास में, वन में जंगल में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कि एक आवास में एक हैबिटेट में कई प्रकार के जीव यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन निकेत यानी कि निच, निच यहाँ पर लिखा हुआ है, निकेत किसे कहते हैं, तो आवास और निकेत में अंतर स्पष्ट होना चाहिए आपके माइंड में एकदम क्लियर एंड कट में ठीक है। निकेत, प्रत्येक जीव का एक विशेष निकेत होता है, हमने आपको बताया कि एक आवास में कई निकेत पाई जा सकती हैं, लेकिन एक आवास में निकेत तो कई हो गए, लेकिन दोस्तों निकेत जो होता है वो प्रत्येक जीव का सेपरेट होता है। जैसे खरगोश का एक अलग, शाकाहारी जीवों का एक अलग निकेत होता है ठीक है, और इसके अलावा मांसाहारी जीवों का एक अलग निकेत होता है, लेकिन वो आपस में जुड़ा होता है, एक दूसरे के बिना तो नहीं चल सकते ना, ये तो फूड सीरीज में आपको पता ही है ठीक। तो प्रत्येक जीव का विशेष निकेत होता है, दो प्रजाति एक निकेत में निवास नहीं कर सकती हैं, कोई भी दो प्रजाति हो, दो प्रजाति एक ही निकेत में निवास नहीं कर सकती है, हालांकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड जरूर होती है, एक दूसरे पर निर्भर हो सकती है, लेकिन एक निवास में कोई दो प्रजातियां नहीं रह सकती है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, लेकिन दो प्रजाति एक निवास में, एक निकेत में निवास नहीं कर सकती हैं ठीक है। और निवास, आवास क्या है, हैबिटेट क्या है, तो हैबिटेट है मतलब जहां पर संपूर्ण जैविक समुदाय निवास करता है उसको कहते हैं हम आवास ठीक है। ये दोस्तों कुछ प्रमुख शब्दावलियां हमने आपको यहाँ पर लिख दी है, और जलीय तंत्र पर प्रकाश का प्रभाव लिख दिया है, और प्रकाश की भेदन क्षमता के आधार पर झीलों के प्रकार यहाँ पर हमने आपको बता दिए हैं। अब इसी तरह से हमको थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करते जाना है, यकीन रखिए आने वाले कुछ दिनों में जो एनवायरमेंट है ना दोस्तों, इतनी बेहतरीन तरीके से आपका एनवायरमेंट तैयार हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं ठीक है। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वर्ग किसी भी संविदा में, संविदा वर्ग 3 हो, यूपी टेट हो, सीटेट हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो जहां से पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें दोस्तों आपको कवर करवाएंगे। चाहे जो भी जितनी भी मेहनत लग जाए उसके पीछे बिल्कुल चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बस आराम से ये आप लोग देखते जाइए, और इसका चाहें तो आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन नोट्स बनेगा धीरे धीरे, बस सीरीज वाइज क्रम से लिखते जाइए जो हम जिस तरह से यहाँ पर वीडियो डाल रहे हैं डेली बेसिस पर ठीक है। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, इसी का अगला सीरीज लेकर के आएंगे, नया वीडियो इसी का आने वाला, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में, जय हिंद।